राजभर महाराजा सुहेल देव जी, पहले 5% लोग प्रयास किए, 5% लोग जाने, लेकिन हम सभी लोगों ने मिलकर के थोड़ी ताकत पैदा की। आज पूरे देश में ही नहीं, पूरे दुनिया की समाचार एजेंसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ लंदन, जिसको बीबीसी लंदन कहते हैं, बीबीसी लंदन से राजभर महाराजा सुहेल देव जी का प्रचार प्रसार। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी भी हैं। सर, आपने इतनी बड़ी यहाँ पे रैली की, यहाँ की जनता को क्या संदेश देना चाहते थे? देखिए, यूपी और बिहार के हमारे जो साथी यहाँ रोजी रोटी की तलाश में महाराष्ट्र की धरती पर यहाँ आकर के अपना रह के परिवार और यहाँ और घर चलाने का जो काम करते हैं, ऐसे सभी साथियों को हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने यहाँ आकर के परिवार को और समाज को, दोनों को दिशा देने का काम कर रहे हैं। जैसा कि शिवाजी ने अभी बताया आपको कि देश में बहराइच की धरती पर पैदा राजभर महाराजा सुहेल देव जी, पहले 5% लोग प्रयास किए, 5% लोग जाने, लेकिन हम सभी लोगों ने मिलकर के थोड़ी ताकत पैदा की। आज पूरे देश में ही नहीं, पूरे दुनिया की समाचार एजेंसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ लंदन, जिसको बीबीसी लंदन कहते हैं, बीबीसी लंदन से राजभर महाराजा सुहेल देव जी का प्रचार प्रसार, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व की चर्चा, देश के, भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के द्वारा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, तमाम राजनीति करने वाले सभी नेताओं को हम लोगों ने मजबूर कर दिया। जिस तरह महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी को लोग जानते हैं, उसी तरह पूरे देश में राजभर महाराजा सुहेल देव जी को लोग जानने लगे। जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। सर, जैसे कि ज़्यादा करके राजभर समाज में महाराजा सुहेल देव राजभर की जयंती मनाई जाती है, क्या राष्ट्र रक्षक थे तो क्या पूरे देश को नहीं मनाना चाहिए? कौन कहता है कि खाली राजभर ही मनाते हैं, हर वर्ग मनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी, तीन बिरादरी के हैं। अच्छा सर, इसमें जैसे शिवाजी महाराज के नाम पे छुट्टी मिलती है, क्या अवकाश मिलना चाहिए महाराज सुहेल देव राजभर के नाम पे? देखिए, हमारी देश की सरकार से ये डिमांड है कि जिस तरह महापुरुषों के नाम पर, जिन्होंने देश के लिए काम किया, समाज के लिए काम किया, ऐसे महापुरुषों को भारत रत्न से अलंकृत किया जाता है, उसी तरह राजभर महाराजा सुहेल देव जी को भी भारत रत्न से उनको सुशोभित करना चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए। इस बात को लेकर के हम बराबर लड़ते रहते हैं और देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अपने यूपी के मुख्यमंत्री से इस बात को लेकर बराबर हम लड़ते रहते हैं। आपकी लड़ाई जग जाहिर है। चलते चलते आखिरी सवाल, महाराष्ट्र के लिए आपका मिशन क्या है? देखिए, महाराष्ट्र में मैं फिर कह रहा हूँ कि यूपी और बिहार से हमारे साथी यहाँ रोजी रोटी की तलाश में आए और यहाँ कुछ साथी बस गए, कुछ लोग किराए पर रह रहे हैं। सभी लोग प्रेम परस्पर भाईचारा मिल्लत से रहें, आपस में कोई कटुता न हो, सब लोग मिल के रहेंगे तो हर लोग मदद करेंगे। हम ये गारंटी दे रहे हैं कि हम धीरे धीरे यहाँ 2003 से हम आ रहे हैं और आज आपको देखने को मिलता होगा कि नाला सोपाड़ा, दहीसर, गोरेगांव, मलाड, अंधेरी, मरोल पाइपलाइन, चर्चगेट, बीटी, नासिक तक जाएंगे, हर जगह जय सुहेल देव का नारा मिलेगा। फोटो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए इधर आप, तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय महाराजा सुहेल देव राजभर। बेदीराम जी भी विधायक जखनिया के शिवाजी जी के माल्यार्पण कर रहे हैं। पे देखिए, माल्यार्पण भी किया जा रहा है ओम प्रकाश राजभर जी के माध्यम से। छत्रपति शिवाजी महाराज, उमा शंकर राजभर जी महाराष्ट्र के अध्यक्ष भी माल्यार्पण कर रहे हैं।
और